गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को एडिशन आता है? यस yes, आपने पहले प्रेप क्लास में सीखा है। तो आज मैम एडिशन का रिवीजन कराएंगे। ओके okay? तो एडिशन के रिवीजन में मैम सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपको काउंटिंग आता है, फॉरवर्ड काउंटिंग। यस, फर्स्ट स्टेप मैम आपको सबसे इजी प्रोसेस में सिखाएंगे, 4+1 फॉरवर्ड काउंटिंग से। ओके, 4 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है बेटा? 5। सो आपका आंसर क्या आएगा? 4+1 मींस आपका आंसर आएगा 5। डू यू अंडरस्टैंड? फॉरवर्ड काउंटिंग में आपके आफ्टर नंबर 4 व्हाट इज 5। सो 4+1 आंसर इज 5। गॉट इट? हम एक लाइन छोड़ के करनी है क्या? यस बेटा बिल्कुल। एट फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू लीव वन लाइन एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7+1। दक्षिता, 7+1 आपको 7 के बाद कौन सा नंबर आता है बताना है। मीन्स 7+1 मीन्स 11। नो मैम, 10+1 थोड़ी पूछ रहा है। 8। यस, 7+1 मीन्स आफ्टर नंबर ऑफ 7 इज 8। सो योर आंसर इज 8। Do you understand? Then 10+1, the answer is 11. आप next question मैम समझाएंगे आपको। टेन प्लस वन इलेवन, got it? अब आपको क्या करना है, 9+0, जीरो से प्लस करना है। ओके, अब इटसेल्फ नंबर आप जब आप प्लस करते हैं, जीरो से प्लस करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा। व्हाई? जीरो इज द नथिंग, जीरो के कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सेम नंबर आप जब प्लस करते हैं आपका आंसर जीरो के साथ करने से 9 ही आता है। 3 के साथ जब आप जीरो प्लस करेंगे, 3+0 मीन्स 3। आप इटसेल्फ नंबर प्लस कर रहे हैं जीरो के साथ, गॉट इट? साची, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, आज मैम चैप्टर 2 का रिवीजन करवा रहा है, आप कॉपी ओपन करिए और मैम के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके UT1 एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आपके मैथ्स कॉपी में ओके दक्षिता, 1+0 आंसर इज 1। वेरी गुड, 1+0 आंसर 1। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3+8 फिंगर में आप काउंट करेंगे। ओके, 3+8 आप काउंट करेंगे फिंगर में। आपके फिंगर में आप काउंट करना सीखा है? मैम ने सिखाया था एडिशन करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह काउंट करना सिखाया, 7, 8, 9। यस, अब आप 3 के साथ 8 प्लस कर रहे हैं। ओके, फिंगर में आपका 3 कहाँ पे आता है? 1, 2, 3। ओके, एंड देन 8 काउंट करेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, आप
फिंगर के कहाँ पे पहुंच गए? आप टोटल एक साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में आप पहुंच गए. गॉट इट? आपका आंसर 3+8 क्या हुआ? 11. देखो मैम, इतने दिन तक आप लोगों को छोटा छोटा नंबर का आंसर करवाया था. ओके आज मैम आप थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेके आपको एडिशन करवा रहे हैं. ओके क्योंकि आप एग्जाम आने वाले हैं और ये चैप्टर एडिशन के चैप्टर आप लोगों को मैम ने पहले करवाया, अब रिविजन करवा रहा है. व्हाट इट? इसलिए आज मैम ने बड़ा डिजिट लिया. अब मुझे बताओ, जब आपके क्वेश्चन में छोटा नंबर पहले आ गया और बड़ा नंबर बाद में हो गया, है ना, आप शिफ्ट करवा सकते हैं. आप प्लस 2+9 करेंगे जो आंसर आएगा, तो आपके 9+2 होने से भी सेम आंसर आता है. यस, समझ गए? तो आप पहले 2+9 नहीं करके आप 9+2 करिए. गॉट इट? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं डिजिट को. 9+2 जब आप कर रहे हैं तो आपके आंसर जो आएगा, तो 2+9 करने से भी वही आंसर आता है. ओके हाँ, यस, आपको कॉपी में लिखना है बिल. यस, देखिए आप मैम 2+9 का आंसर करवाएंगे आपको. ओके कैसे काउंट करेंगे आप? 9+2 करेंगे या 2+9 करेंगे, बताइए. हाँ, 11 तो आंसर आ गया, मुझे पता चल गया आपने सही कर लिया. लेकिन मुझे ये बताइए, आप 9+2 करेंगे क्यों? क्योंकि 9 बड़ा डिजिट है एंड 2 छोटा डिजिट है, इसलिए आपको पहले 9 देन 2 काउंट करना है, या 2+9, जैसे भी आप काउंट करें आंसर सेम आता है. तो आप काउंट कर लिया 2 पहले या 9 पहले, 6, 7, 8, 9 आपका फिंगर के यहाँ पे आता है. ओके एंड देन आपको 2+ करना है, 1, 2, तो आप कहाँ पे पहुंच गए? 11 में. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में आप पहुंच गए, तो आपका आंसर आ गया 11. ओके अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. आयांश, बोर्ड दिख रहा है ना आपको? यस मैम. पहले मैम ने 1 से प्लस करना रिवीजन कराया, देन 0 से प्लस करना का रिवीजन कराया, अब थोड़ा बड़ा डिजिट लेके मैम प्लस करने का रिवीजन करवा रहा है. ओके 6+3 आप काउंट करके बताएंगे मैम को. 6+3 आयांश, 6 काउंट करो फिंगर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यस, गुड. एंड देन 3. ओके आप 6+3 करके फिंगर में आंसर 9 में पहुंच गए. ओके आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे काव्या. काव्या आप करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन. 4+2, 4 पहले काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन 2 काउंट करेंगे, 1, 2. ओके फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेरी गुड. यस
क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे लक्ष्य। लक्ष्य अब आप बताइए, 7 + 4, तो 7 के साथ आप काउंट करेंगे 4, पहले 7 काउंट करेंगे एंड देन उसके बाद 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 काउंट करेंगे, तो आप कहां पे पहुंच गए, पूरा एक साथ काउंट करिए टोटली, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। ओके आप जल्दी से करके बताना मुझे, दक्षिता 8 + 6, 8 काउंट करेंगे आप पहले फिंगर में एंड देन 6, यस 14, गुड। देखो लक्ष्य ने प्लस करके बता दिया मैम को, पहले 8 काउंट किया दक्षिता, फिर 6 काउंट किया, अब 14 कहाँ पे पहुंच गया आपके फिंगर पे, यस आपके पूरे फिंगर यूज में आ रहा है, 8 + 6 = 14। ओके आप मैम देखो सीधे बड़े बड़े डिजिट का प्लस करना सिखा रहा है, धीरे धीरे मैम कैरी वाला भी सिखाएंगे नेक्स्ट डे में, आज पहले यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा सेकंड चैप्टर पूरा रिवीजन कराएंगे मैम। 9 + 9, बताओ आप लोगों को 9 का टेबल भी लर्न है तो आप बोल सकते हो इसका आंसर, कैसे बताओ, 9 2 1 मीन्स 9 2 18, ठीक है, ये प्रोसेस तो बाद में सिखाएंगे मैम आपको, आज नहीं, आज आप सिर्फ 9 + 9 करेंगे, 9 के साथ 9 प्लस करना है, 9 काउंट करिए पहले फिंगर में एंड देन यस बताओ अंश, वेरी गुड 18, 9 + 9 = 18, वेरी गुड। एग्जाम मैथ्स कॉपी में रिवीजन करना स्टार्ट करिए, 3 + 5 3 + 5, यस गुड लक, 3 + 5 = 8। आप नेक्स्ट आंसर मुझे बताएंगे काव्या, टू प्लस सेवन। आप नहीं, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन देखो मैम को अभी 2 + 7 करना है, आप 7 + 2 आंसर जब करेंगे और 2 + 7 जो करेंगे सेम आंसर आएगा, यस 9, क्योंकि 7 बड़ा डिजिट है तो हम पहले 7 काउंट कर लेते हैं, ओके एंड देन 2 छोटा डिजिट, सो आप बाद में 2 काउंट करिए, तो आप कहाँ पे पहुंच गए फिंगर के 9 पे, तो आपका आंसर 9। आप काउंट फिंगर में करिए बेटा, आप हिफ्जा 4 + 6 प्लस करिए, हिफ्जा फिंगर में पहले 4 काउंट करिए, या 6 काउंट करिए, दोनों में ही सेम आंसर आएगा, 10, वेरी गुड। आप मुझे बताओ यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, मैम ने आपको इस पेज में एक न्यू चीज सिखाया, बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट, यस आप प्लस करेंगे तो सेम आंसर आता है, यस या नो, यस अभी मैम बताएंगे सब कुछ, yeah।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपको करवा रहा है। एबेकस के ऊपर क्वेश्चंस। अच्छा एबेकस में आप मैम प्लस कराना सिखाएंगे है ना? आप लोगों को याद तो है ना या भूल गए? यस मैम याद है मैम। आप बताओ एबेकस में दो स्टैंड होता है वंस एंड टेंस। ओके आप एडिशन किस में करेंगे? वंस एंड टेंस दो स्टैंड होता है एबेकस का, तो आप एडिशन वंस वाले स्टैंड के ऊपर करते हैं। ओके ये मिस्टेक्स आप लोगों में से किसी ने किया था तो मैम इसलिए रिवीजन करवा रहा है। सेवन प्लस टू आपका क्वेश्चन है एबेकस में आप ऐड कर रहे हैं। आप पहले सेवन बीट्स ड्रॉ करेंगे वंस के ऊपर। गॉट इट? और ऑलवेज आप एबेकस के नीचे से बीट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, याद है? पहले आप सेवन बीट्स ड्रॉ किया एंड देन आप टू बीट्स ड्रॉ करेंगे और वो दूसरे कलर से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके यस रॉन्ग आंसर अगेन डू सेवन प्लस टू। आप अगर फिंगर में काउंट करके आंसर करेंगे या बीट्स को काउंट करके आंसर करेंगे आंसर तो आपका रॉन्ग नहीं आना चाहिए। Yes. Yes. Seven beads plus two beads. So nine. Your answer is nine. Good, Ayanj. Good. Very good. Okay. Now remember all of you. Up. डोंट फॉरगेट आप बीड्स ड्रॉ करेंगे वन स्टैंड के ऊपर। यस फोर प्लस सिक्स ये आपको नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट मैम ने याद करवा रहा है बार बार। एट फर्स्ट यू ड्रॉ फोर बीड्स एंड देन यू ड्रॉ सिक्स बीड्स ऑन अबव इट। इसके ऊपर ही आपको सिक्स बीट्स ड्रॉ करना है। आप सिक्स बीट्स टेंस के ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके काव्या यस आप दिख रहे हैं सबको? देखो आप देखो देखो मैम ने इतना बड़ा बना दिया तो फिर छोटा करो। मुझे लग रहा है बड़ा करने से आप लोगों ने लिया। आप दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। यस ओके नाउ आप दिख रहे हैं? यस yes.
मैम एबेकस के स्टैंड बड़ा बनाएंगे। ओके जब डिजिट बड़ा होते हैं क्लास करने के टाइम हमें स्टैंड थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, नहीं तो हम उसके ऊपर बड़ा बीट्स, ऊपर वाले बीट्स हम नहीं कर सकते फिर। Yes, 10. आप एक साथ में काउंट करेंगे दोनों बीट्स को। आप देखो 6 वाले बीट्स में मैम अगर दूसरे कलर यूज कर सकते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले 4 बीट्स मैम ब्लैंक रखा है एंड देन 6 बीट्स मैम ने फिल कर दिया है कलर से। गॉट इट? तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है 4 + 6। ओके यस 10। बेटा मैम आज रिवीजन करवा रहा है गर्वित, आप कॉपी में वर्क करेंगे बोर्ड देख के। मैम बोर्ड में जो क्वेश्चन लिख रहा है उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके गर्वित, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 9 + 3। तो 9 बीड्स मैम को पहले बनाना है, तो पहले मैम 9 बीड्स छोटा छोटा बना रहा है, वंस के ऊपर बनाना है। गॉट इट? क्लियर है? यस। नेक्स्ट 3 बीट्स मैम बड़ा बनाया। फर्स्ट 9 बीट्स मैम ने छोटा बनाया एंड देन बाद का 3 बीट्स मैम ने बड़ा बनाया। सो आपका आंसर आ गया, एक साथ सारे बीट काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 + 5। पहले 3 बीड्स मैम छोटा बना रहा है एंड देन वंस के स्टैंड के ऊपर 5 बीड्स आपको बनाना है। ये ऑलवेज रिमेम्बर यू ऑल ऑफ यू, अब आपको एडिशन में क्या करना है, दोनों बीड्स को एक साथ ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन के टाइम और यस योर आंसर इज 8। यस यस, और सब्ट्रैक्शन के टाइम आपको क्या करना होता था, कट करना होता था। ओके अब आप आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड देन 4 + 3 = 7। यस 4
3 is 7. आप 3 बीट्स बनाएंगे differently. Got it? At first you draw 4 beads to fill the color and then you draw 3 beads without filling the color. So you different beads draw and join it. Next question you solve 6 plus 3. 6 beads at first you draw. On the one stand. 6 plus 3 equals 9. Yes, 6 plus 3 equals 9. अब आप लोगों को एडिशन के रिवीजन मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया. ओनली यू रिमेम्बर आपको एडिशन में वन स्टैंड के ऊपर ड्रॉ करना है. ओके, ऑल ऑफ यू डन. आप आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. Yes. Next question में मैम आपको रिविजन कराएंगे. मेरा अभी तो हुआ. ओके ओके, करिए आप करिए. एबेकस वाले पेज में मैम जा रहे हैं. वेट वेट, वन मिनट वेट. यस, एबेकस वाले पेज में आ गए मैम. देखो, डू इट क्विकली, डू इट. Okay, done. At first you write the questions, then you solve. Okay? मैम अभी रिवीजन करवा रहा है. आप अगर 2 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका रिवीजन हो चुका है. ओके, आप देखिए नेक्स्ट मैम 3 डिजिट वाला क्लास करवा रहा है. ओके, जो आप लोग डर रहे थे थोड़ा सा इसलिए और मुझे रिवीजन में जाना पड़ा एडिशन चैप्टर के. अब 3 डिजिट वाला जब आप क्लास कर रहे हैं पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट ऐड करिए एंड देन 3rd डिजिट उसके साथ में. Yes, at first you 2 digit add करेंगे तो 4 plus 2 करेंगे, finger में 6 आएगा
एंड देन सिक्स के साथ और यू देन सिक्स, सो आंसर इज 12। ये क्वेश्चन आप उल्टे से भी कर सकते हैं, एट फर्स्ट यू एड 6 + 4, ओके, बड़े नंबर के साथ आप प्लस करिए 6 पहले एंड देन 10 आएगा, फिर 2, यू गॉट द आंसर 10 प्लस 2 12, ओके। एट फर्स्ट यू एड 6 + 4, यू गॉट इट 10, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4, कहां पे पहुंच गए आप, एक साथ काउंट करिए 10 पे पहुंच गए आप। अब आप 10 के साथ में 2 प्लस करेंगे 1 2, अब आप कहां पे पहुंच गए 12 में, सो योर आंसर इज 12, ओके। अब 3 डिजिट में आप 0 प्लस करेंगे तो सेम आंसर आता है, आप लोगों को मैम ने समझाया 3 के साथ जब आप 0 प्लस करते हैं तो आपका आंसर 3 होता है। फॉर why 0 इज नथिंग, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी नंबर को ही हमें आंसर लिखना पड़ता है। यस yes? yes, क्योंकि 3 प्लस 0 3 हो गया, तो आप 3 के साथ 9 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आयंश ने बता दिया 12, ओके। कैसे प्लस किया, मैम ने बताया था बड़ा डिजिट को पहले प्लस करो, बड़े 9 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। 9 पहले प्लस कर, 9 के साथ में 3 प्लस करिए तो जल्दी से आप काउंट कर लेंगे। देखो इजी प्रोसेस मैम आपको और एक बताएंगे, 2 + 5 + 7, आप हाँ बैकवर्ड से चलिए तो 7 + 5 करिए तो 12 होता है, 7 + 5 means 12, 7 के बाद से अगर 5 काउंट करेंगे तो 8 9 10 11 12, एंड देन 2 प्लस करेंगे तो 12 के साथ 2 प्लस कर दिया तो 14। देखो ये आपको बस प्रैक्टिस करना है, ओके दक्षिता, डरना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब सोचेंगे जे 3-3 डिजिट का क्वेश्चन दे दिया मैम ने मुझे, मैं कैसे करूं, तो कुछ नहीं है, आप दोनों डिजिट पहले प्लस करिए 1 + 5, ओके, ये वर्टिकली 1 + 5 है तो आप 5 + 1 करेंगे तो आफ्टर नंबर 5 का आंसर आएगा, क्योंकि अभी अभी मैम ने रिविजन में करा है, जब भी आप 1 प्लस करते हैं तो आप उसके फॉरवर्ड काउंटिंग में आफ्टर नंबर सोचिए, 5 + 1 हो गया आपका आंसर 6, अब 6 के साथ 0 प्लस करते हैं तो 6। आप सबसे पहले यस, आप सबसे पहले इजी नंबर देख लीजिए जो आपको आता है, बड़े नंबर पहले प्लस करेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, 7 + 3 करेंगे, देखो आपके क्वेश्चन में 7 2 3 तीनों डिजिट दे रखा है, तो आप तीनों डिजिट में से पहले 7 के साथ 3 प्लस करिए, 7 + 2 + 3 = 12, यस वेरी गुड, आपने तो बहुत जल्दी आंसर सॉल्व करने लग गए, 7 + 3 आपका आंसर आ जाता है 10, एंड 10 के साथ 2 प्लस करेंगे 12, या आप घुमा फिरा के करिए 7 + 2 करेंगे 7 के बाद 8 9, और 9 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 10 11 12। देखो मैम ने ऐसे भी सिखाया आप लोगों को, 9 + 2 आपका आंसर क्या होता है, 9 के बाद 10 11, और 10 11 हो गया, 11 के साथ आप 1 प्लस करेंगे तो 12। यस वेरी गुड 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7 + 6 + 0 = 23। नो
सेवन प्लस सिक्स, अगेन प्लस करिए, सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन के साथ आप जीरो प्लस करेंगे तो आपका आंसर थर्टीन ही आएगा बेटा। सेवन और सिक्स प्लस किया आपने, पहले आपका सिक्स कहाँ पे आता है ये आपको याद है, और सेवन के साथ आप सिक्स प्लस करेंगे तो आप सिक्स तक पहुंच जाइए। सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, गॉट इट। आप थर्टीन के साथ अगर आप जीरो प्लस कर रहे हैं तो आपका आंसर थर्टीन ही आएगा। यस देखो एडिशन के ये वाला प्रोसेस भी आप लोगों को मैम ने पहले भी सिखाया था, है ना, इसीलिए मैम ने फिर से रिवीजन करवा रहा है। ओके अब थ्री डिजिट वाला एडिशन का रिवीजन आप लोगों को मैम ने करा दिया, अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे आपके इसके बाद वाले क्वेश्चंस में पहुंचे मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Have you done all of you? Yes, ma'am. Yes, आप मैम पहुंच गए नंबर लाइन में एडिशन कराएंगे। ओके एडिशन के कितने टाइप मैम ने सिखाया रिवीजन में आज? सबसे पहले वन से प्लस करना सिखाया, फिर जीरो से प्लस करना सिखाया, थर्ड मैम ने बड़ी बड़ी डिजिट से प्लस करना सिखाया, एंड देन एबेकस में फोर्थ टाइप मैम ने सिखाया एबेकस में, फिर फिफ्थ मैम थ्री डिजिट से प्लस करना सिखाया। यस बोथ टाइप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों। अब मैम पहुंच गए नंबर लाइन में ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब नंबर लाइन में ऐड करने के लिए क्वेश्चन आपका 5 प्लस 2, और सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है नंबर लाइन में। आंसर तो सेवन आ जाएगा आपको पता है क्योंकि मैम ने एडिशन आपको करवा दिया। ओके लेकिन आपको नंबर लाइन में कैसे करना है याद है? नंबर लाइन में आपको कैसे करना है बताओ? जीरो से सबसे पहले आप फाइव में पहुंच जाइए कार्ड बना के, और फिर उसके बाद टू प्लस कर दीजिए, वन टू, टू कार्ड बनाया तो आप कहां पहुंच गए? सेवन में। आपका आंसर इसलिए सेवन हो गया, आपने तो एडिशन करना सीख गए थे पहले ही फिंगर में। अब आप नंबर लाइन में ऐड किया कर्व बना के। यस आप पहले नंबर लाइन बनाना प्रैक्टिस करेंगे एरो बना के दोनों तरफ, सेम डिवीजन करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे जीरो से टेन तक। अगर आपके क्वेश्चन में आंसर टेन से बड़ा है तो आपको काउंटिंग नंबर भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, डिवीजन ज्यादा बना के फिर टेन से आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जब आप कार्ड बनाएंगे। ओके सिक्स प्लस थ्री, जीरो से आप सिक्स में कर्व बनाइए। ओके म्यूट हो जाओ बेटा, किसका माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दो। आप सिक्स के बाद आप थ्री कर्व बनाएंगे, वन टू थ्री,
आप कहाँ पहुंच गए? 9 पे। तो आपका आंसर हो गया 9। गॉट इट? आप बच्चे, आप लोग पहले नंबर लाइन याद से प्रैक्टिस करेंगे। सेम डिवीजन होना चाहिए आपके मैथ्स कॉपी में, तो डिवीजन हो रखा है, जो ब्लॉक बने हुए हैं उसी ब्लॉक को ही आप डिवीजन करके 0 से 10 लिखिए एंड देन नंबर लाइन का कर्व बनाएंगे। ओके, आप 4 प्लस 4, यस, आप सबसे पहले फर्स्ट 4 के लिए सीधे बड़ा वाला कर्व बनाएंगे एंड देन स्मॉल 4 कर्व बनाएंगे। आपको पता चल जाएगा दोनों अलग नंबर है। फर्स्ट 4 नंबर के लिए सीधे बड़ा कर्व बनाया एंड देन नेक्स्ट 4 नंबर के लिए आपने छोटा कर्व बनाया, तो आपके आंसर आ गया 8 पे। ओके, कोई बात नहीं, करिए करिए, आप करिए। यस, करिए करिए बेटा, करिए। आई हैव डन। वेरी गुड। हु हैव डन? Is done. नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। यस, ओके ओके। मैम मैं लेफ्ट हो जाऊं क्या? यस, हु हैव डन, यू लेफ्ट द ग्रुप।